जरा से धुंध हुई और 4 दिन से मेरे गांव में लाइट नहीं है। वो तो मैं इलेक्शन के खर्चे में 3 लाख का डीजल भी लिखूंगी। और ईवो चल नहीं रहा, नेट चल नहीं रहा। मेरी बच्ची आई थी, उसकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, अब उसको वापस कराची भेज रही हूँ, जाके तुम अपना पेपर दो। और कैसी बातें कर रहे हैं कि ये यहाँ पर चल जाएगा। यहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हमें खा जाएंगे, जैसे शार्क तारे खा जाती है ना, समंदर में शार्क घूमती है। और वैसे भी हमारे क्या ग्राम में वजीर इतलास साहब ने इंदिया दिया था कि आने वाले दिनों में जो नेटवर्क है वो स्लो हो सकता है। तो जब नेटवर्क स्लो हो सकता है तो सब कुछ स्लो हो सकता है, क्या कर सकते हैं। कि ये जो यहाँ पर वो बैठ करते हैं 200 और हजारों बैठे हुए आरओ डीआरओ, वो कैसे पहुंचाते हैं वहाँ पे। अच्छा मैडम, कल सामने आई है सरकारी मुलाजमीन के जो उनके जो टंडादुल से फार्म ज्यादा जमा हुई है, वसूली हुई है, लेकिन जमा ये नहीं कि 50% भी नहीं है उसका। जी देखिए, इसके ऊपर मैंने पोस्ट ऑफिस वालों को कहा है कि आप मुझे बताएं दिखाएं, इसलिए कि पहले तो इन्होंने कहा कि आप ये दो और धमकाया है कि अगली हुकूमत भी हमारी होगी और तुम लोगों के जो पोस्टल बैलेट है इसकी हम तस्वीर खींच के रखेंगे और तुम लोगों को बताएंगे। ये मेरे से खुद 6 स्कूल वाले थे और 4% के 10-15 लोगों ने मुझे खुद फ़ोन करके बताया है कि उन्होंने कहा है कि इसकी तस्वीर ले लेंगे और उसके बाद उनको बताएंगे कि मेहरबानी। तो ज़रूरत क्या है फिर इलेक्शन की, ज़रूरत क्या है भाई। ये कमल लोग ये के पीरन बापड़ी टाइम मांग रहे हैं।